जानू क्या खाओगी? जो आप खाओगे मैं भी वही खाऊंगी। ठीक है वेटर, मेन्यू लाना। हाँ मेरे लिए भी मेन्यू ले आना, मैं भी मेन्यू खाऊंगी। माय गॉड, ओ माय गॉड। वल्लाह तुम्हारी शक्ल तो हमारी बीवी से मिलती। एक रैप्टा दूंगी ना तो तेरी शक्ल भी मेरे पति से मिलने लग जाएगी। माशा अल्लाह जुबान भी मिलती। जरा उधर देखना। किधर? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी कैडबरी का एक छोटा सा बाइट देंगी? नहीं, चल निकल बेकारी साला। भैया जन्मदिन तो बस शहर के बच्चों का मनाया जाता है। गांव में हम अपनी माँ से कभी पूछते हैं कि माँ हमारा जन्म कब हुआ, तो हमारी माँ सिर्फ एक ही बात बोलती है, बेटा सावन का महीना था, बादल गरज रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। प्रभु आप आ गए। प्रभु अजय मांगना है, जल्दी मांगो। प्रभु मुझे दुख दीजिए, मुझे दर्द दीजिए, मुझे बर्बाद कर दीजिए। प्रभु बोलने की बीवी चाहिए। आप कैसे जान गए प्रभु? साले की फटी क्यों पड़ी है? ओ क्या हो गया, बिना शादी के बीबी भाग गई? यार मैंने ना कल एक लड़की का स्टेटस देखा, लिखा था ना मैं खुद शादी करूंगी ना अपने बच्चों को करने दूंगी। ओके गूगल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर चलो ना हम दोनों भाग कर शादी कर ले। माफ कीजिए मैं नहीं भाग सकती, अगर मैं भाग गई तो गूगल मुझे ढूंढ कर बहुत मारेगा। हाय बीबी। हाँ बोल। क्या कर रहे थे? टट्टी। मैं आज घर पे अकेली थी और मैंने डिनर अरेंज किया हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों आज रोमांटिक डिनर करें। अभी आ रहा हूँ। धोखे इसका मतलब आप कल हमारी नौकरानी शांति के साथ बेडरूम में सोए थे। हाँ हाँ, आपको जरा शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? अरे आपने डॉक्टर शर्मा है ना? हाँ। उन्होंने तो कहा था एक गोली लेना और शांति के साथ सोना। हाँ? सुनो आई लव यू। हाँ, पागल है क्या तू? मेरी शादी हो गई है, मेरा पति है। सॉरी आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था यार। इसके अलावा ऑफिस में मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, और तो और मेरे बॉस ने मुझे कल ही प्रपोज किया है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। पैराशूट ले लो, पैराशूट। कितने का है भाई? ज्यादा नहीं, बस 50,000 का बस। पर इसका यूज कैसे करते हैं? हवाई जहाज से कूदो, चैन खींचो और जमीन पर सुरक्षित पहुंच जाओ। और अगर पैराशूट नहीं खुला तो आपके पैसे वापस। अच्छा एक काम करो, एक दे दो मेरी पत्नी के लिए। सुनो मैं कह रही थी। हाँ बोल। तुम स्टार्ट नहीं हो पा रहे हो तो मैं धक्का लगाऊं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बारिश भी बहुत हो रही है, क्या आज रात में यहाँ रुक सकती हूँ? बेटा मन में लड्डू फूटा, नया कैडबरी डेरी मिल्क शॉप। भैया जी कल क्या किया लड़कों का, गांड मारे कि नहीं? सुनो भोसड़ी के, सुबह सुबह ना मूड तो खराब करो मत, ठीक है? आज अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। भैया 1 रुपए वाली माचिस दे दो। ठीक है लाया। अरे सर मार, मास्टर गांड फाड़ दूंगा तेरी मैं, मास्टर गांड। अरे
क्या हुआ? अबे 25 फर्रे पकड़ लिए मेरे उसने। अबे फर्रे बाजी छोड़ दे ये, अबे मेहनत कर ले कुछ जिंदगी। मेहनत? तुझे बता रात के 2 बजे तक फर्रे बनाए मैंने और लाइट भाग गई डिबिया में। हेलो। हाँ बोलो। आधे घंटे से तुम्हारे बॉस से बात करी हूँ, उन्होंने बताया तुम ऑफिस ही नहीं आए, कहाँ मर रहे हो? मैं कहाँ मर रहा हूँ, आज ये नहीं, आज मुझे सवाल का जवाब दो, तुम ये रोज बॉस से क्यों बात करती हो? अच्छा जवाब चाहिए मेरे बच्चे को। हाँ और नहीं तो क्या जवाब? सुना है लड़कियों की ठंड कभी नहीं लगती। वो कैसे? क्योंकि वो एक दूसरे से जलती रहती है। हे, मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? नहीं यार, गर्म होती है, मेरे पैर जल जाएंगे। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है, और तुम्हारा? भजन। अरे ओ अनपढ़ लुगाई, मैं कोई अनपढ़ नहीं, समझ गए ना? चल तू अनपढ़ नहीं है तो मेरे सवाल का जवाब देगी? हाँ पूछो। रावण के कितने सर थे? 10। 10 सर थे। अच्छा ये बता, जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तुम मुझे ये बता, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में किया था, तो रावण के सर उस वक्त क्या तेरे बाप ने गिने थे? भाई सब। अरे हो तो गया, अरे धन्यवाद भैया, रास्ते तो पार करना। फिजा बेटा एक मिनट फोन देना। हाँ एक मिनट, ऑन कर रही हूँ। ये लो पापा, वैसे करना क्या है आपने? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वो टाइम बता दे। सपना को हमरे हवाले कर दे और निकल जा। इस रिश्ते का नाम तो नहीं पता, मगर मोहब्बत की कसम मैंने अरुण और सपना को मिलाने की कसम खाई है। ए लड़की रुक जा, क्या कर रही है तू? मैं मरने जा रही हूँ। क्यों मर रही है? मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। तो इतने अच्छे कपड़े पहन के मरेगी तू? तो मरने के बाद मेरा अखबार में फोटो भी तो आएगा, उसके लिए अच्छे कपड़े पहनने जरूरी है ना। पत्री तू तो पागल है भाई। एक बात पूछूं? हाँ पूछ। कभी भी तुम लड़कियां क्यों नहीं प्रपोज करती हम लड़कों को? अबे बहुत सालों पहले सूर्पनखा ने कोशिश की थी ना, उसकी नाक काट दी गई, वो डर आज भी जिंदा है हम लड़कियों में। मम्मा मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। एक मिनट चिंटू, ये टिफिन नीचे शर्मांटी को दे देना और उनको हलवे के लिए थैंक यू बोलना। ओके मम्मा। चिंटू आंटी को थैंक यू बोल दिया था ना? थैंक यू तो बोल दिया था, पर शर्मा आंटी नाराज हो गई। क्यों? आंटी पूछ रही थी कि हलवा कैसा लगा, मैंने तो वही बोला जो आपने बोला था। मैंने क्या बोला था? यही कि गाजर का हलवा बनाया है या हाजर का गलवा बनाया है, सो बैड टेस्ट। सलमान की अगली फिल्म कौन सी आ रही है? सुल्तान। शाहरुख खान की? रईस। वॉल्यूम ऑफ कौन? बोर्ड का शॉट के साथ क्या करते हैं? बॉटम्स अप। शराब का नशा कैसे उतरता है? नींबू चाट के। लाइम वाटर का फॉर्मूला? H2S। हराम ज्यादा डंडा कहाँ है मेरा? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाएगा डर जाएगी, अरे बाहर निकाला है मर जाएगी। अच्छा अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी कर लेते? नहीं, मैं मेरी बहन के साथ रहती। ऐसा? और फिर मैं मर गए तो दूसरी शादी कर लेते? नहीं, फिर तुम्हारी बहन के साथ रहता हूँ। हेलो शोना। हाँ जी कौन? गौरव को फोन दो तो। आपका नाम? उनसे कहो कि उनके जाने मन का फोन। जाने मन? जी हाँ। पर इसमें तो जुगाड़ लिखा हुआ है। टिकल टेस्ट करते हैं। या मैं कस्टमर बन के आती हूँ और तुम बैंक के एग्जीक्यूटिव हो। मैं? यस। ठीक है या एक्सक्यूज मी या मुझे 200 की FD करानी है। लंच ब्रेक। आपका लंदन जाने का प्लान कब है? अरे बहन छोड़ के जा रही है ना इंडिया शादी के बाद, उसके बाद जाएंगे। ये गाना बजाना हो तो मुझे शादी में जरूर बुलाना। अबे बहुत मजा आएगा। फूलों का तारों का सबका कहना है, शादी होने तक मुझको सिंगल रहना है। अबे अब क्या हो गया?
यार मेरा फिर से ब्रेकअप हो गया। मैंने तो तुझे समझाया था मत लगा दिल किसी से। हाँ भाई अब से कोई किडनी मांगेगा वो दे दूंगा पर दिल नहीं। साहब कह रहे हैं लोन मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा लेकिन खाता है। कैसे तक खाते हैं? दो टाइम घरे खा लेते हैं। अरे बुढ़वा मेरा मतलब यहाँ खाता है। अरे लोनवा दीजिए दो का चार थारी खा लेंगे। मम्मी गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? बेटा वो गांधी जी हमेशा सच बोलते थे ना इसलिए बाल नहीं थे। ओ तो अब पता चला तुम औरतों के सर पे इतने बाल क्यों होते हैं। वो क्या चीज है जो सूखा अंदर जाता है और गीला होकर बाहर आता है? टीचर से ऐसे सवाल पूछता है क्या मतलब इसका? हाँ क्या मतलब है? मैडम जी मैं तो टी बैग के बारे में बता रहा था।